से 40 साल उम्र हो चुकी है। पिछले 5-10 साल से घर से निकले हुए हैं, शारजा में हैं, अबू धाबी में हैं, दोहा, कतर, बहरीन, कुवैत, जीसीसी, यूरोप की किसी कंट्री में फंस चुके हैं। पीआर नहीं हो पा रही, बहुत सारे लोगों को झूठ बोल के इंग्लैंड भेज दिया गया। अपना पिंड छोड़ के, गांव शहर छोड़ के, लोग बड़े सपनों के साथ प्रवास करते हैं। कामयाबी हासिल नहीं होती क्योंकि शुरू में एक डेस्टिनेशन ऐसी चूज कर ली गई होती है जहां पे पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, सिटीजनशिप की ऑप्शन नहीं होती। घर से पहला कदम हर इंसान अपनी बेहतरी के लिए निकालता है कि बीवी बच्चों को अच्छी रोटी दे दूं, माँ बाप को उनकी खुशियां दे दूं। लाचार माँ बाप जब बच्चे को रोजगार नहीं दे पाते, बच्चा दम तोड़ देता है, मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलता है। मजदूरी का सफर शुरू होता है जहां पे शरीर को तोड़ा जाता है। 12-12, 14-14 घंटे ओवर टाइम करके एक आदमी अपने माँ बाप को, बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए हर रोज मरता है। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ रोज। जब यूएई में आता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, एक अलग तरह का खौफ बंदे की शक्ल पे होता है। गुमसुम हो चुके होते हैं लोग, पता ही नहीं जिंदगी में अब आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना। खुशियां, ख्वाहिशें खत्म हो चुकी होती है। एक ही ख्वाब होता है मन में, यार पिंड पैसे भेजने हैं। बाप बीमार है, बच्चों की पढ़ाई लिए भेजने हैं। एक बंदा परिवार का सूली टंगिया होता है इस करके कि बाकी परिवार के जिया बेहतर जिंदगी मिल जाए। बहुत दर्द है लोगों की डे टू डे रूटीन दे विच। पता है एक बंदा गरीब क्यों गरीब हुंदा? क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करता। यदि आप गरीब है ना, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। ईश्वर ने आपको दो आंखें दी हैं, दो पांव दिए हैं, दो हाथ दिए, दिमाग दिया है। अमीर आदमी के पास भी दिमाग होता है, गरीब आदमी के पास भी दिमाग होता है। गरीब आदमी अपना दिमाग अमीर आदमी के लिए यूज कर रहा होता है। सारी जिंदगी लोग रोटी तक ही सीमित रह जाते हैं, अपने सपनों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। यार करो संघर्ष, करो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बट संघर्ष की भी कोई लिमिट होती है ना। कुछ 6 महीने ला ले, आप साल ला लिया, 2 साल ला लिया, आप चिपक ही गए हो। जितनी ज्यादा उम्र होगी ना, उतना ज्यादा डर लगेगा आपको डिसीजन लेने से पहले। जो लोग 5-5, 10-10 साल हो गए ना, जिनको घर से निकले हुए, आज वो लोग डरपोक बन चुके हैं, उनसे डिसीजन नहीं लिया जाता। डरते हैं कहीं नौकरी ना चली जाए। पिछले 10 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी लोगों की। क्यों नहीं बढ़ी? रिस्क नहीं लिया। मैं कनाडा भेजता हूँ, उनको भेजता हूँ जो नहीं जा सकते। मेरी किताब में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, मैं इम्पॉसिबल पे बिलीव ही नहीं करता। मुझे ना शब्द पसंद नहीं है, मैं हाँ में विश्वास रखता हूँ। मैं उन घरों में चिराग जलाता हूँ जिनको आस नहीं होती। तुम्हारा भी कोई ऐसा मसला है, उठ चुके हो, लगता है बाहर नहीं जा सकते। मैं कनाडा भेजूंगा, शर्त लगा के भेजूंगा।
15 से 20 लाख रुपया लग जाता है जाने में। नहीं है कोई गल नहीं, आ जाओ मिलो आके, किस्ते कर देंगे आपकी, अब दे दे देना, बाकी कमा के दे देना, चले जाओ यार, शौक पूरे कर लो अपने, अगला जन्म नहीं मिलेगा, पता नहीं अगले जन्म में क्या बनना आपने क्या नहीं बनना। ये जो समय निकल रहा है ना, इसे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। कल को पैसे आ जाएंगे, मुंह में दांत ही नहीं रहेंगे। हम कनाडा भेज रहे हैं, परिवार सहित भेज रहे हैं, थोड़ी सी इंग्लिश चाहिए, 5 बैंड आइल्स में ले सकते हो, मैं भेजूंगा, पति पत्नी बच्चों के साथ भेजूंगा, 2-3-4 साल में पीआर हो जाएगी, कर लो अपने शौक पूरे, करो हमें फोन, मिलो हमें आके, जिम्मेदारी लूंगा कि आप जिंदगी में कामयाब होंगे, हजारों लोगों को रास्ता दिखा चुके हैं। धन्यवाद।